नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। हाथसब्लास सदर परिसर स्थिति सभागार प्रकक्ष में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी की गई। ब्लॉक रथ भाजपा समर्थित प्रत्याशी रुखरानी को 38, निर्दलीय प्रत्याशी पूनम पांडे को 41 मत प्राप्त हुए। निर्दलीय प्रत्याशी पूनम पांडे ने 3 मतों से भाजपा प्रत्याशी को हरा कर जीत हासिल की। वहीं विजयी प्रत्याशी पूनम पांडे को कलेक्टर स्थित कार्यालय में डीएम ने प्रमाण पत्र दिया। यहां 80 बीडीसी सदस्यों में से 79 बीडीसी सदस्यों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोपहर 3 बजे मतगणना शुरू हो गई। एआरओ संतोष यादव की देखरेख में मतों की गिनती शुरू हुई। भाजपा समर्थित प्रत्याशी रुखरानी को 38 मत और निर्दलीय को 41 मत प्राप्त हुए। निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को 3 में से हरा कर जीत हासिल की। अंदरूनी कलह के ने हराया भाजपा को। भाजपा को हाथरस ब्लॉक में करारी उसके अंदर खाने चल रही है। कलह की वजह से मिली है सूत्रों को मानो तो पिछले बार पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमर सिंह पांडे ब्लॉक हाथरस विरोध निर्वाचित हुए थे। इस बार यह सीट समान वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की थी। उनकी पत्नी पूनम पांडे ने दावेदारी की थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी न बनाकर नए चेहरे के रूप रसाना को लड़ाया। ऐसे में पूनम ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत की भी की गई। टकराव के आशंका को लेकर के रही सतर्कता। दोनों ही टीमों ने मतदान को लेकर अपने अपने टेंट तांबू लगा कर रखे थे। भाजपा ने मां प्रेस रघु नर्सिंग होम नजदीक अपना पंडाल लगा कर बैठा था। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पूनम पांडे के समर्थक रोडवेज कार्यशाला के निकट अपने तंबू लगा कर जमे थे। उन्होंने दोनों ही खेलों में भारी संख्या में भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस सतत सतर्क रहा। टकराव की आशंका को लेकर दोनों ही टीमों के बाहर पुलिस तैनात रही। हाथरस के सलेंद्र पैचोरी की रिपोर्ट।